अरे मुन्ना, इन फाइल ने भी जरा देख ले, सारा काम दिवाली से पहले जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। ठीक है दादाजी। इसका फोन है जी, वो गुप्ता जी का है। अच्छा, हेलो दादू। हेलो जमाई साहब, प्रैक्टिस के लिए कब मिल रहे हैं हम लोग? दादू आज प्रैक्टिस नहीं हो सकेगी, मैंने आपसे कहा था ना कि ऑफिस में बहुत सारा काम है, लेकिन आप लोग तो मिल लीजिए, रिहर्सल रुकनी नहीं चाहिए। अच्छा दादू, मैं फ्री होकर आपको फोन करता हूँ। पता नहीं कब फ्री होऊंगा। तुम लोग झांकी कर कहाँ रहे हो, आंगन में या बाहर बगीचे में? पता नहीं भाभी माँ नैतिक ने क्या सोचा है। मुझे नहीं लगता इतना जल्दी बच्चे सब कुछ कर पाएंगे, समय ही कितना रह गया है, और मुन्ना को दफ्तर के भी तो हजार काम देखने हैं, ऊपर से यहाँ प्रसंग की तैयारी पूरी नहीं हुई है, कितना कुछ तो अभी इन्हें तय करना है। वो लिखेगा भी, सब आयोजन भी करेगा, और उसे प्रसंग में हिस्सा भी लेना है, कैसे होगा भाभी माँ? अरे मुन्ना, एक जरूरी काम आ गया है, एक ग्राहक के घर हार पहुंचाना था, सवेरे जल्दबाजी में वो हार घर से लाना भूल गयो, तने घर जाके वो हार लेना है, उस ग्राहक के घर पहुंचाना है। हरी भाभी माँ ने बोल दियो है मने। ठीक है दादाजी, तू जा और हम लोग थोड़ी देर में आवेंगे, बहुत काम बाकी है। मैं घर अभी चले जाऊं? हाँ, और जैसे बाद में कर लीजो, जा। थैंक यू दादाजी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि ठीक है दादाजी, हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। हेलो दादू, मुझे घर आने का थोड़ा सा चांस मिल गया है, आप लोग जल्दी से घर आ जाइए, हम लोग थोड़ी सी रिहर्सल्स कर लेते हैं। जमाई साहब अभी आए क्या? हाँ दादू, जल्दी से आ जाइए, कुछ काम शुरू कर लेते हैं। कल करें क्या? कल क्यों? नहीं, मैंने और वर्षा ने कुछ और प्रोग्राम बनाया था, मैं वर्षा को शॉपिंग के लिए ले जा रहा था, दिवाली के लिए कुछ खरीदना भी था, तो आज तो मुश्किल लग रहा है। वैसे हमारी रिहर्सल कैंसिल हो गई थी, तो हमने ये प्लान कर लिया। ठीक है दादू, कल करते हैं, मैं फोन रखता हूँ। ओके। सिर्फ मुझे इंटरेस्ट है क्या इस प्ले में? किसी को कुछ पड़े नहीं है, मनाओ जैसे सब लोग दिवाली मनाते हैं, अब मैं सारे रोल्स एक साथ तो नहीं कर सकता ना। मुन्ना, तू इस समय घर? मैं वो हार लेने आया हूँ भाई माँ, मुझे वो हार दे दीजिए जो दादाजी यहाँ पर भूल गए हैं। वो मेरे कमरे में रखा है, दे देती हूँ। मुझे काम याद आ गया, अब मैं अभी आई। मैम, अक्षरा और रश्मि दिखाई नहीं दे रहे, यहीं कहीं होंगे, दिवाली के कामों में लगे हैं। सबको अपने अपने काम की पड़ी है, मैं अकेले क्या क्या देखूं। आप हार ले ले। चलिए चल के जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। कोई प्रैक्टिस नहीं होने वाली और ना ही मैं आगे करने वाला। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि जब से सोचा है कि हम ये प्ले करेंगे, तब से कुछ ना कुछ अड़चने ही आई जा रही। पहले तो कोई करना नहीं चाह रहा था, और जब करने के लिए तैयार हुए तो अक्षरा ने ही मना कर, फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं ही सीता बन जाता हूं, लेकिन उसके बाद अब किसी के पास प्रैक्टिस करने का भी टाइम नहीं। दादा लगता है आपको किसी ने खुशखबरी नहीं दी, हमारी अड़चन दूर हो गई है, हमें हमारी सीता मिल गई है। क्या अक्षरा करने के लिए तैयार हो गई? भाभी कहाँ मानेगी दादा, हमारी सीता का रोल गुलाबो करेगी। गुलाबो? हाँ, उसे कम मत समझना, बहुत अच्छे से कर रही है, सारे डायलॉग से याद है, माँ से पूछिए, है ना माँ? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया कर रही है।
दादा आप राम जी का रोल कर रहे हैं, चल के गुलाबों की रिहर्सल देख लीजिए ना। नहीं मुझे वो हार लेके ऑफिस पहुंचना है। अरे दो मिनट तो चलिए चलिए दादा प्लीज, दो मिनट रिहर्सल देख लीजिए। दादा सब रेडी है, आप सिर्फ दो मिनट चलिए। कब आएंगे? आपसे वियोग अब सहन नहीं होता, मेरे हृदय में अतः पीड़ा है, हर सांस आपकी प्रतीक्षा करती है, मुझे विश्वास है कि हमारा मिलन जल्द ही होगा। सब लोग यहाँ हैं। कैसी लगी आपको हमारी नई सीता? तो ये आप सबका प्लान था? मुझे तो लगा ये सारा आइडिया ही फ्लॉप हो जाएगा, और यही सोच रहा था कि ये प्ले हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। अक्षरा आपका आइडिया कभी फ्लॉप नहीं होने देगी। जैसे ही उसे पता चला ना कि आप बिजी हैं, तो उसने सीता के रोल के लिए फौरन हाँ कह दी। और जमाई सा अक्षरा ने ही फोन करके हमें रिहर्सल के लिए बुलाया। अच्छा तो तभी दादू आपने जानबूझकर मुझसे ये कहा कि आप लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं। सॉरी सॉरी, वैसे छुपाया तो हमने अक्षरा से भी था, उसे भी कहाँ पता था कि आप आने वाले हैं। वैसे आप दोनों को मिलाने का ये स्पेशल सरप्राइज वर्षा ने प्लान किया था। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? ब्रिलियंट। बहुत अच्छा। और अब हमारे पास एक परफेक्ट सीता और एक परफेक्ट राम जी है। माँ आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में कह दिया था कि हम ये प्ले नहीं करेंगे, लेकिन अब लगता है कि भगवान खुद चाहते हैं कि हम ये प्ले करें। तो फिर शुरू करें रिहर्सल्स। रिहर्सल? अरे जमाई सा, हमने तो अच्छी खासी रिहर्सल कर ली है। हाँ। बस अब तो अक्षरा को डायलॉग्स याद करने हैं, वो जिम्मेदारी आप पे, करा दीजिएगा। मुन्ना तू शबरी किसी और को बना ले, मुझे बहुत काम है, घर में पुताई भी हो रही है। नहीं भाभी माँ, आप ही शबरी बनिए, आप बहुत अच्छी लगेंगी। नहीं नहीं, तुम्हारे दादाजी देखेंगे, मुझसे नहीं होगा। तो क्या हुआ भाभी माँ, आप करिए ना, उस वक्त हम दादाजी से कह देंगे कि वो अपनी आंखें बंद कर लें। नहीं नहीं मुन्ना, मैं झांकी सबके साथ बैठकर देखना चाहती हूँ, मेरे बच्चों को मंच पर देखने का बहुत मन है मेरा। तू किसी और को शबरी बना ले। ये रोल मैं कर लूं, छोटा भी है और प्यारा भी। पर भाभी आप तो उर्मिला बनने वाली थी ना? लेकिन उर्मिला भी फाइनल थोड़ी हुई है। प्लीज 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 मुझे शबरी का रोल करने दीजिए ना, उसमें ज्यादा दौड़ भाग भी नहीं है। ठीक है भाभी, आप शबरी का रोल कर लीजिए। लेकिन वर्षा देखो, नानी और माँ को टेंशन ना हो जाए। मेरा मतलब है कि तुम करो, लेकिन सबसे एक ही विनती है कि नानी को पहले पता ना चले। लेकिन बेटा जब वर्षा मंच पे आएगी तो सबको पता चल ही जाएगा। जी आंटी, लेकिन मंच पर झांकी को देख और वर्षा को भी उसका हिस्सा बना देख, नानी सब भूल जाएंगी, लेकिन उससे पहले नानी को नहीं पता चलना चाहिए। जमाईसा, जैसे सीता मैया बदल गई है, क्या हनुमान जी को भी बदल देंगे? और हमारी तो पूछ भी नहीं गिरेगी। नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी नहीं बदलेंगे, हनुमान जी तो मैं ही हूँ।
हाँ बाबा तू ही बनेगा। चलो चलो खाना परोस रहे हैं। वर्षा बेटा तुम्हें भूख लगी होगी ना, चल। नहीं नहीं भाभी माँ, अब हमें आज्ञा दीजिए, काफी देर हो गई और वैसे भी जब तक माँ वर्षा को कुछ खिला नहीं देती वो खुद भी कुछ नहीं खाती है। तब तो वो राह देख रही होंगी बेटा। ठीक है तुम लोग चलो। ठीक है राधे कृष्ण। जय सिया राम। आपकी लाइंस कर ले। मुझे खाना गरम करना है। इधर आ तू, आराम से आराम से। दीदी ये क्या है? ये मैंने वर्षा के लिए मंगवाई है ताकि जब भी उसका आराम करने का मन हो और सोने का समय ना हो तो वो आराम से बैठ सके। ये तो बड़ी समझदारी वाली बात है दीदी। दीदी वर्षा झांकियों में हिस्सा ले रही है ना? नहीं नहीं वो तो सिर्फ हाथ बटाने जाती है, इसी बहाने अक्षरा से मिलना भी हो जाता है और शौर्य के साथ रहती है तो शौर्य को अच्छा लगता है। वैसे दीदी मैं ऊन लेके आई, अंशु के नए स्वेटर में डिजाइन डालना है ना? ठीक है बता दूंगी। छोटी तूने वो रसोई में जो ऊपर वाले खाने हैं उन्हें साफ करवा दिया? वो तो मैं भूल ही गई दीदी। अरे चल कोई बात नहीं कल करवा देना, दिवाली के रहते सारी सफाई हो जाए तो अच्छा है और वैसे भी कुछ समय बाद तो घर में नया मेहमान आने वाला है, उस समय हमें सफाई का खास ध्यान रखना होगा। अरे इसका क्या, ये तो अपना और अपने बच्चे का ध्यान रख सकती है बस, तेरा नहीं राजश्री। दीदी मैं अभी सफाई करवा देती। छोटी वो माँ। अरे सही तो कहा मैंने, चार बातें बुलवाई लेते हो मुझसे। आनी तो क्या एक बार कमरों में रंग हो जाए उसके बाद हॉल और यहाँ भी आंगन में भी करवा लेंगे। दिवाली में घर कितना अच्छे से जगमगाता है ना, हर चीज नई लगती है। ये तुमने अच्छा किया कि मंदिर का सामान आज सफाई के लिए निकाल दिया, इतना बड़ा काम हो गया, नहीं तो बाकी कामों में ये टल ही जाता। शराब मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा कि तुम सीता बनने के लिए तैयार हो गई। आपस में जो भी अनबन हो लेकिन परिवार की खुशी के लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अक्षरा यहाँ तो सब हो ही गया है, तुम जाओ बेटा सो जाओ, थक गई होगी। नहीं माँ मैं पहले दादाजी को गर्म दूध दे देती हूँ उसके बाद सो जाऊँ। गुलाबो कहाँ जा रही है, इधर आ। देख मंदिर का सारा सामान साफ हो गया है, संभाल के ऊपर रखवा दे। ठीक है? ठीक है छोटी माँ। गुलाबो दूध बाहर रखा है गरम कर देना नहीं तो खराब हो जाएगा। ठीक है भाभी। Thank you.
हेलो नानी। अरे कहाँ थी, कब से थारे फोन की राह देख रही हूँ मैं। कहाँ था ना, दिन में दो बार फोन किया कर। नानी बड़ी मुश्किल से फोन कर रहे हैं, यहाँ ना हर समय कोई ना कोई रहता है। अरे तो बाहर क्यों नहीं चली जाती कोई बहाना बनाकर। नानी पहले हमारी बात सुनिए, वर्षा भाभी नाटक में हिस्सा ले रही है, शबरी बनेंगी वो। तूने खुद सुना अपने कान से? हम वहीं थे जब ये तय हुआ। अच्छा नानी अभी हम फोन रखते हैं, कोई आ ना जाए। ठीक है ठीक है। थोड़ी देर आराम कर। वर्षा आराम से बेटा, आराम से। ये ले बेटा, पहले थोड़ा फल खा ले, उसके बाद आराम करना, थक गई है ना। माँ ये आराम कुर्सी यहाँ कैसे आई? थारे को आराम करने का बड़ा शौक है ना, इसीलिए लाके रखी है तारी सास ने। फल काट दो, कुर्सी रख दो। माँ माँ चलिए हम बाहर जाके बैठते हैं, वर्षा को यहाँ लेटने दीजिए। तुमने बड़ा ख्याल है इसका, और इसको देखो। अरे थारे से झूठ बोल के जाती यहाँ से। हाँ वर्षा अक्षरा के घर से आ रही है। अरे नाटक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, ये भी जानती है क्या तू? देखा ना उतर गया ना चेहरे का रंग। हाँ अरे मन ने क्या देखती है, पूछ बहू से झूठ बोलती हूँ क्या? क्यों वर्षा झांकी में तू सबरी बनने वाली है ना? चुप है, मतलब मैं सही हूँ। वाह यहाँ घर के काम से थक जाती है और वहाँ बड़े अच्छे से काम करती है। वर्षा बेटा तू शबरी बन रही है? हाँ माँ, वो सबने कहा था, भाभी माँ ने भी कहा था कि उन्हें ये रोल नहीं करना है, तो मैंने सोचा कि छोटा सा काम है, मुझे लगा मैं कर देती हूँ, इसमें कैसी थकान। पर नानी आपको ये किसने बताया? हाँ माँ किसने बताया आपको? हर बात की खबर रखनी पड़ती है वरना सब हाथ से निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे तू क्या जानती है? थैंक्स अक्षरा। किस बात के लिए? सीता का रोल करने के लिए। मुझे तो ठीक तरह से हो भी नहीं पा रहा था, तो रिहर्सल शुरू करते हैं। ये लीजिए आपकी लाइन्स। ये सब कुछ मुझे बोलना होगा? हाँ और कहीं कहीं तो आपकी बहुत लंबी लाइन्स हैं, जल्दी याद कर लीजिए। और अगर मुझे याद नहीं हुआ तो आप रट लीजिएगा। देखिए आपने प्रैक्टिस भी कम की है ना, तो आपको ये जल्दी से करना ही पड़ेगा और ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। जितनी जल्दी आप ये लाइन्स कर लेंगी उतनी जल्दी हम लोग साथ में प्रैक्टिस भी कर लेंगे। सुबह तक सब लोग आ जाएंगे तो आप याद कर लेंगी ना। नैतिक ये तो आधे आधे पेज के डायलॉग्स हैं, एक दिन में ये सब कैसे होगा? मैं हूं ना, मैं करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैं कर लूंगी। अभी सो जाइए, सुबह उठ के कर लीजिए। नहीं नहीं अभी से शुरू करना पड़ेगा, इतना सारा याद करना है। आप अभी रहने दीजिए, सो जाइए, सुबह उठ के मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, दिमाग फ्रेश होगा तो जल्दी याद हो जाए।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।